हाँ तो यार एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि ऋषि जस्ट नींद से उठी होती है और बाहर ओलिवर कह रहा होता है, लेडी ऋषि क्या आप जाग चुकी है, मैं हूँ ओलिवर। और जिस पर ऋषि बोलती है हाँ रुको मैं बस अभी आई, और जल्दी से अपने ड्रेस को चेंज करके बाहर आ जाती है। और ऋषि कहती है शुक्रिया ओलिवर मेरा इंतजार करने के लिए, तुम कितने मेहनत करते हो। इस पर ओलिवर कहता है मुझे तो फिर भी आराम करने का मौका मिला, लेकिन एंडोल तू अभी भी काम कर रहे हैं और पहले उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन अब देखो उनके पास एक वाइफ है। इस पर ऋषि ओलिवर की आंखों की तरफ देख के बोलती है कि तुम मुझे एग्जामिन करने आए हो ना, और मुझे पता है कि तुम मुझे चेक करने आए हो और तुम मुझे चेक कर सकते हो, कि उसे ही कहा ना। इस पर ओलिवर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और मन में सोचता है आखिर ये बात इन्हें कैसे पता चली। और वो ऋषि को कहता है लेडी ऋषि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये एनरॉल्ड सामान ने कहा था करने के लिए। इस पर ऋषि बोलती है लगता है तुम काफ़ी समय से एनरॉल्ड के लिए काम कर रहे हो। इस पर ओलिवर कहता है हाँ लगभग 10 साल हो चुके हैं। जिस पर ऋषि ओलिवर से पूछती है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि एनरॉल्ड ने मुझसे शादी करने का क्यों सोचा। जिस पर ओलिवर कहता है वैसे सच कहूँ तो मैं भी बहुत हैरान हूँ, लेकिन मैंने कभी भी एनरॉल्ड सामा को इतना खुश नहीं देखा। जब वो आपके साथ होते हैं लेडी ऋषि तो उनकी स्माइल एकदम दिल से आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इस पर ऋषि बोलती है ऐसा लगता है कि वो मुझे कोई खिलौने की तरह ट्रीट कर रहा है। इस पर ओलिवर हंसने लग जाता है और कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और वो ऋषि को एक गेस्ट की लिस्ट देता है जो कि ऋषि और एनरॉल्ड के मैरिज एनिवर्सरी में आने वाले लोगों की होती है, और ऋषि उसे पढ़ी रही होती है तभी वो उसे और एक लिस्ट देता है और कहता है कि ये लिस्ट कल के डिनर पार्टी के लिए है जो कि इवनिंग में होगी। इस पर ऋषि बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है क्या डिनर पार्टी। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में वो सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि डिनर पार्टी को अटेंड करने आए होते हैं, और सारे शेफ भी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, जहाँ पे ये डियाना उन सब पे अपने हुक्म चला रही होती है। और फिर से सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हमें एनरॉल्ड दिखाया जाता है जो कि काम कर रहा होता है, जहाँ पे ऋषि आती है और कहती है प्रिंस एनरॉल्ड मैं यहाँ पे आपसे कुछ मांगने आई हूँ, आपने मुझे कुछ सोचने के लिए कहा था, क्या आपको याद है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसपे कि एनरॉल्ड ने उसे कहा होता है जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम उसके बारे में सोचना चाहिए। और ऋषि कहती है क्या ये मुमकिन है कि मैं मेट्स का सिलेक्शन खुद करूं। जिस पे एनरॉल्ड कहता है तुम्हें जैसा चाहो वैसा कर सकती हो। और तभी खड़ा होकर कहता है लगता है ओलिवर ने तुम्हें सही से बताया नहीं, आज की पार्टी का कोई मतलब नहीं है, ये पार्टी एक मीनिंगलेस पार्टी है, इस पार्टी का मतलब क्राउन प्रिंस अपने लिए एक प्रिंसेस को ढूंढेगा। जिस पे ऋषि कहती है एनरॉल्ड इस कंट्री के लिए मैं तो बस एक होस्टेज हूँ और ना कि कोई प्रिंसेस, और अपना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है अब प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप फॉर्मली सबको अपनी फियांसी को रिवील कर दे। इस पे एनरॉल्ड मुस्कुराते हुए कहता है इसका मतलब मुझे तुम्हें छूने की इजाज़त मिल चुकी है। और तभी हमें नेक्स्ट समय दिखाया जाता है कि वो दोनों अपना हाथ पकड़ के पार्टी हॉल की तरफ जा ही रहे होते हैं, जहाँ पे सीढ़ियों से उतरते वक्त ऋषि कहती है लगता है पार्टी बहुत बड़ी है। जिस पे एनरॉल्ड कहता है ये पार्टी तो हमारे यहाँ की सबसे छोटी पार्टियों में से एक है। इसमें ऋषि शौक में बोलती है क्या। और फिर वो पार्टी हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ डिफरेंट कंट्री के प्रिंस और उनके प्रिंसेस आई होती है, और जिस पे सारे प्रिंस वहाँ पे आके एनरॉल्ड को ग्रीट करते हैं और कहते हैं हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें इस इवनिंग पार्टी में बुलाया। जिस पे एनरॉल्ड कहता है शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आने के लिए। और इस मौके का फायदा उठा के एक दूसरा राजा अपनी बेटी को एनरॉल्ड को दिखाने लग जाता है। इस पे एनरॉल्ड कहता है मुझे माफ़ करना लेकिन मुझे इन सब के बारे में कोई बात नहीं करनी, और कहता है क्योंकि जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने उस लड़की को ढूंढ लिया है जो कि मेरी वाइफ बनेगी। और ऋषि की तरफ दिखाता है जिसपे सारे लोग वहाँ मौजूद शौक हो जाते हैं, और जिसपे ऋषि अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मुझे आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मेरा नाम है ऋषि इमराड विश्नर। जिस पे एनरॉल्ड कहता है तो जैसा कि मेरी होने वाली वाइफ जस्ट अभी दूसरी कंट्री से आई है तो इनके यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप सब इनकी मदद करें। और फिर एनरॉल्ड और ऋषि आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिसपे ऋषि एनरॉल्ड को कहती है एनरॉल्ड सामा होने वाली वाइफ बोल के आपको दूसरी लड़कियों को नीचा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे एनरॉल्ड कहता है अच्छा यही होगा कि मैं अभी से सबको बता दूँ, फैक्ट ये है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें ऋषि सोचती है कि रक्षा करनी है, और एनरॉल्ड जिसने मुझे मारा था वो मेरी रक्षा करेगा, और कहती है तुम मेरी रक्षा कैसे कर सकते हो क्योंकि सबसे खतरनाक तो तुम ही हो। जिस पे एनरॉल्ड कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, और ऋषि कहती है मैं तो तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप में भी नहीं हरा सकती। जिस पे एनरॉल्ड कहता है चिंता मत करो फ्यूचर में हो सकता है कि मैं तुम्हारे साथ स्वॉर्डमैनशिप प्रैक्टिस करूँ। जिस पे ऋषि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मन में सोच रही होती है शायद एनरॉल्ड के साथ प्रैक्टिस करने की वजह से मैं उसकी टेक्निक भी सीख जाऊं। और तभी अचानक से एक साउंड आता है और सब लोग डांस करने लग जाते हैं। इस पर एनरॉल्ड कहता है तुम्हें ज़बरदस्ती डांस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर ऋषि कहती है लेकिन मैं भी यहाँ पे थोड़ा मज़ा करना चाहती हूँ, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के डांस करने लग जाते हैं। और डांस करते वक्त ऋषि सोचती है ये क्लोजनेस और पिछली लाइफ में एनरॉल्ड के साथ हुई लड़ाई के बारे में सोच रही होती है, और मन में कहती है क्या होगा अगर मैं एक छोटा सा ट्रिक प्ले करूँ, और क्या होगा अगर मैंने लीड ले ली तो ये क्या करेगा। और जिसपे वो पूरा ट्राई करती है एनरॉल्ड को अपने हिसाब से डांस करवाने का, लेकिन एनरॉल्ड तो उसे अपने हिसाब से डांस करवा रहा होता है। इस पे ऋषि सोच रही होती है मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं एनरॉल्ड से नहीं जीत पाऊंगी। और डांस करते वक्त ऋषि अलग ही वे में एनरॉल्ड की तरफ देख रही होती है, और एनरॉल्ड भी ये सब नोटिस कर रहा होता है। और फिर डांस के खत्म होने के टाइम पे एनरॉल्ड ऋषि से एक मूव कराता है, जिसमें ऋषि सोचती है रुको अब तो मैं गिर जाऊंगी, लेकिन एनरॉल्ड उसे पकड़ लेता है
और सब लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एर्नोल्ड कुछ राजाओं से बात कर रहा होता है और ऋषि अकेली खड़ी होती है। तभी कुछ दूसरी प्रिंसेस ऋषि के पास ऋषि के लिए वाइन लेके आती है और उसकी तारीफ करती है और उसको वाइन को पीने के लिए बोलती है, जिस पर ऋषि उसे पीने वाली ही होती है और उसे स्मेल करके मन में बोलती है, ये तो एक अरोमा है जो कि रेड पेपर्स को पीस के बनाया गया है और लगता है ये लोग खाने के साथ मजाक कर रहे हैं। और लेकिन वो उसे पी लेती है और कहती है सच में बहुत अच्छा है, मुझे खुशी हुई है देख के कि मेरा स्वागत ऐसे हुआ है। इस पे वो लड़कियाँ बहुत गुस्सा होकर कहती है यहाँ से चलो, और सारी लड़कियाँ ऐसे चली जाती है। तभी फिर से हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ऋषि अकेले उस ड्रिंक को पी रही होती है जहाँ पे, तभी वहाँ पे एर्नोल्ड आता है और कहता है ये तो बहुत स्पाइसी है। इस पे ऋषि कहती है इस वाइन में पेपर्स है, और एर्नोल्ड कहता है तुम्हें उसे फेंक देना चाहिए, और ऋषि कहती है नहीं मैं खाने को वेस्ट नहीं कर सकती। इस पे एर्नोल्ड अचानक से ऋषि के हाथ से उस वाइन को लेके खुद पी जाता है, और ऋषि कहती है रुको, और एर्नोल्ड कहता है तो अब तुम्हारे ड्रिंक को पीने की ड्यूटी हो चुकी है क्यों। जिस पे ऋषि कहता है हाँ शुक्रिया, और एर्नोल्ड कहता है वैसे तुम डांस के वक्त क्या सोच रही थी, डांस के दौरान तुम मुझे किसी और ही पर्सन की तरह सोच रही थी क्यों, सही कहा ना। जिस पे ऋषि कहती है क्या, और मन में सोचती है कि मैं एर्नोल्ड को फ्यूचर के बारे में नहीं बोल सकती, और कहती है ऐसा कुछ नहीं है मुझे बस आपकी फिक्र हो रही थी क्योंकि आपके लेफ्ट शोल्डर पे चोट है। इस पे एर्नोल्ड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, और ऋषि कहती है डांस करते वक्त मुझे पता लग गया था। और तभी एर्नोल्ड अपनी शर्ट को ओपन करके कहता है ये एक पुरानी चोट है। इसे देख के ऋषि बहुत शॉक हो जाती है और कहती है कि ये कितना बुरा है, और एर्नोल्ड कहता है सिर्फ कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता है और बाकी लोगों को मैंने कभी पता लगने नहीं दिया। और ऋषि कहती है लेकिन ये चोट आपको लगी कैसे। जिस पे एर्नोल्ड बात को घुमा देता है और कहता है यहाँ बहुत ठंड है चलो अंदर चले। और फिर से सीन चेंज होता है और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पे सारे मेड्स काम कर रही होती है और दो मेड्स आपस में बात कर रही होती है, जिसमें एक मेड कहती है क्या तुम्हें लगता है लेडी मेड जल्दी चुनी जाएगी। और तभी वहाँ पे डायना और बाकी मेड्स आके अपना हुक्म चलाने लग जाती है, और उन मेड्स के अंदर ऋषि भी होती है, जिसपे ऋषि एक मेड की मदद करने जाती है और डायना फिर से हुक्म देके उनको ऑर्डर देके वहां से चली जाती है। जिसपे ऋषि बाकी मेड से डायना के बारे में पूछती है, जिसपे एक मेड उसे बताती है मैंने सुना था कि वो एक अच्छी फैमिली से है जिनके पास बहुत सारी दुकानें थी। जिसपे दूसरी मेड कहती है हाँ ये तो मैंने भी सुना था, लेकिन उन्होंने वो सब खो दिया कर्जे की वजह से। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सारे मेड्स लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि क्राउन प्रिंसेस उनको चुनने वाली होती है। उसमें डायना कहती है ये सब कुछ इतना साफ है लेकिन ये सब किया किसने। इसमें दूसरी मेड कहती है हाँ और वो लड़की जो कि सबकी मदद करती है वो भी यहाँ पे नहीं है। जिस पे एक मेड पीछे खड़ी सोच रही होती है कि क्राउन प्रिंसेस कैसी होगी। तभी ओलिवर कहता है लेडी ऋषि यहाँ पे आ रही है, और सारे मेड्स अपने सिर को झुका के उनको ग्रीटिंग कर रही होती है। और तभी वहाँ पे लेडी ऋषि आती है और डायना उसे देख के शॉक हो जाती है, और ऋषि कहती है मैं हूँ ऋषि इमराड विश्नर। और ऋषि मन में कहती है मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम सबके सिचुएशन की सच्चाई जानना चाहती थी, और कहती है अब मैं कुछ नाम बोलूंगी, और कुछ नाम लेके बोलती है यही सब मेरी मेड्स होंगी। जिस पे ओलिवर बोलता है जिन जिन का नाम लेडी ऋषि ने लिया है। तभी अचानक से बीच में डायना बोलती है ये सब क्या है लेडी ऋषि, जिन्हें आपने चुना है वो सब तो नहीं है और हम लोग पुराने हैं और हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसा मेड काम करने का। जिस पे ओलिवर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लेडी ऋषि से बात करने की। जिस पे ऋषि कहती है कोई बात नहीं, और डायना कहती है हाँ मुझे पता है कि मैं सही से बात नहीं कर रही लेकिन लेडी ऋषि आपको हमारी एबिलिटीज की तरफ देखना चाहिए। इसमें ऋषि बोलती है मिस डायना आज से तुम मेड की पोजीशन में नहीं रहोगी। इसमें डायना बोलती है क्या, और नीचे बैठ के रोने लग जाती है। और ऋषि कहती है बोलो डायना जब तुम यहाँ पहली बार आई थी तुम्हें याद है तुम्हें सबसे पहले किस चीज़ में परेशानी हुई थी। इस पर डायना कहती है मुझे तो कुछ भी नहीं आता था और किसी के पास समय भी नहीं था मुझे कुछ सिखाने का, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट मेड बनी इन हालातों के बावजूद, और मैं इन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। इस पर ऋषि कहती है तुमने सही कहा, एक चीज़ मैं तुम इन लड़कियों से बिल्कुल अलग हो, तुम्हें लिखना और पढ़ना आता है, तुम एक मर्चेंट फैमिली में पैदा हुई हो, तुम्हें अच्छी एजुकेशन मिली लेकिन इन सब को वो सब चीज़ें नहीं मिली है। जिस पर डायना अगले सेकंड वो सब सोच रही होती है जो भी उसने बाकी मेड्स के साथ किया है, और कहती है तब हमारी फैमिली बैंकरप्ट हुई और हमने सब कुछ खो दिया, और फिर मैंने ऐसा एक लेडी मेड बनी, और मैं हमेशा सोचती थी आखिर क्यों तुम सब ये सब नहीं कर पाती, लेकिन ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें कभी सही से कुछ सिखाया ही नहीं, मुझे माफ़ कर दो। और रोने लग जाती है। जब सारी मेड उसके पास आ जाती है और कहती है लेडी ऋषि डायना बहुत हार्ड वर्किंग है प्लीज़ आप उनके साथ ऐसा मत करिए। इसमें ऋषि भी डायना के सामने बैठ जाती है और कहती है मिस डायना मुझे तुम्हें कुछ पूछना है, मैं इस विला को एक ट्रेनिंग सेंटर में बदल दूंगी जिसपे न्यू मेड्स के लिए, जहाँ पे वो हाउस होल्ड वर्क के साथ, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें लिखना और पढ़ना भी सिखाओ। इस पर डायना कहती है क्या मैं, और जिस पे ऋषि डायना के हाथ को बढ़ के बोलती है हाँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगी। इस पर डायना कहती है हाँ मुझे बहुत खुशी होगी। तो फिर से नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है ओलिवर ये सारी बात एर्नोल्ड को बताता है। इस पर एर्नोल्ड कहता है मुझे पता ही था कि वो ये सब संभाल लेगी। और फिर से नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है डायना कह रही होती है मैं उन सब अच्छे तरीकों के बारे में सोच रही हूँ जिससे सबको सिखाने में मजा आए। और जिस पे ऋषि कहती है मुझे ये सुन के अच्छा लगा। तभी एक मेड कहती है एक्सक्यूज़ मी आपको जल्दी रेडी हो जाना चाहिए लेडी ऋषि, और ऋषि रेडी भी हो जाती है। और जिस पे वो मेड ऋषि के बाल बना रही होती है और कहती है कि लेडी ऋषि मैंने सुना कि आपके गेस्ट एक मर्चेंट है। जिस पे ऋषि सोचती है आखिरकार ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मर्चेंट बनाया था,
मैं उन्हें एलाइज की तरह रख सकती हूँ, फिर मेरी चॉइस और आगे बढ़ेंगी। और फिर वो रेडी होके वहाँ उनसे मिलने जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो मर्चेंट उसके सामने बैठा होता है और केन कहता है, मैं हूँ केन टूली एरिया ट्रेडिंग कंपनी से। और जिसपे ऋषि सब देख के मुस्कुरा रही होती है और ये एपिसोड भी यही पे खत्म हो जाता है। तो होप यार मेरे यार एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा होगा, अगर जरा से भी अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।